अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारवा और मसाले वाले बैंगन बनाने की रेसिपी। इसे आप जब बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी बनती है और ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आइए आपको दिखाते हैं हमने किस तरीके से बनाई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। आइए भरवा बैंगन बनाएंगे। ये लंबे वाले बैंगन भी भरवा बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए बनाते हैं इनको। सबसे पहले हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इन्हें अच्छे से धो के साफ करके और रख लिया है। आइए इनको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसे कट कर लेंगे। देखिए सभी को इसी तरीके से कट कर लेना है हमें। ये देखिए हमने सबको इसी तरीके से चार हिस्सों में कट कर लिया है। और ये देखिए हमने आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच हमारी मिर्चें हैं ये, और इनको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए नमक मिर्च हमने मिला लिए हैं। ये देखिए अपने बैंगनों में इस तरीके से भर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। खाली हमें नमक मिर्च ही इसके अंदर डालने हैं और कुछ नहीं डालना। ये देखिए हमने सभी बैंगनों को इस तरीके से अंदर नमक मिर्च लगा दिए हैं और हमने जितने नमक मिर्च मिलाए थे सब लगा दिए हैं। आइए इन्हें एक साइड रख देते हैं। आइए तेल ले लेंगे और हमने गैस चला लिया है। ये देखिए हमने एक बड़ी प्याज को कट किया है और दो टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज के और चार से पाँच हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे। ये हमने फ्राई करनी है और इनको पीसना है सबको। पहले दो मिनट हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए दो मिनट हमने पहले प्याज को फ्राई कर लिया है और अब हम ये हरी मिर्च और टमाटर साथ ही डाल देंगे और इन्हें भी दो से तीन मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे। और ये बैंगन डाल देंगे। और इन्हें फ्राई करेंगे। इसमें हम अपने मसाले पीस लेंगे जो हमने फ्राई किए हैं और इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, मीडियम आंच कर देंगे। आइए इन सबको पीस लेंगे। और कुछ हम अपने धनिया, जो धनिया हमारा पीला पड़ जाता है वो भी इसमें डाल के पीस लेंगे। आइए इन्हें थोड़ी सी देर और फ्राई करेंगे। वैसे तो ये फ्राई हो चुके हैं, पाँच से छः मिनट हमने इनको फ्राई किया है। और ये जो मसाला हमने पीसा है इसमें डाल देंगे। और ये हमारे थोड़े सूखे मसाले हैं ये डालेंगे। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये टेस्ट के लिए होती है, कलर के लिए, तीखी नहीं है। आधा चम्मच हल्दी है, एक चम्मच हमारा धनिया पाउडर है और आधा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा है। और ये डाल देंगे इसमें। और दालचीनी, दालचीनी है एक टुकड़ा, दालचीनी भी डालेंगे। आइए इनको मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हमारा मिक्सी में लगा हुआ है मसाला उसी को घुमा के इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे।
ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें आधा कप के करीब, और इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे और ढक देंगे इसे थोड़ी देर के लिए। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए, और गैस को बंद कर देंगे। हमारे बैंगन अच्छे से गल चुके हैं और हरा धनिया डाल देंगे। आइए निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे मसाले वाले बैंगन भरकर बनकर तैयार हैं। ये भरवा भी है और मसाले वाले भी हैं, लेकिन आप जब भी बैंगन बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें लहसुन ना डालें। अगर आप लहसुन नहीं डालेंगे तो बैंगन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत खुल के टेस्ट आता है बैंगन का। फिर आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।